देखिए YouTube पर वीडियो बनाने के लिए कौन सा मोबाइल अच्छा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी एक मोबाइल लिया जिसका नाम है OnePlus। इसका चार्ज कितना है देखो, लाइव चलाने के लिए अगर आप लाइव क्लास चलाना चाहते हैं, YouTube पर बहुत अच्छे क्वालिटी का वीडियो बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कैमरा बढ़िया होना चाहिए। अब कैमरे में मैंने मोबाइल लिया OnePlus मोबाइल लिया, लगभग ये 19,999-20,000 रुपये पड़ते हैं फ्लिपकार्ट से, ठीक है ना। अब इसकी क्या खासियत है, आपको कैसा मोबाइल लेना चाहिए, क्या OnePlus लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या इसका कम रेट है कि नहीं। देखिए OnePlus मोबाइल ये 5G है, क्योंकि अब तो सब मोबाइल 5G आ रही है, और जब 5G चलना शुरू हो जाएगा तो नेट भी अपने आप फाइन चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये 5G है, इसका 6GB रैम है और 128 एक्सटर्नल है। इसका दाम 20,000 रुपए पड़ता है। मैं आपको खोल कर दिखा रहा हूँ, बताऊंगा कि कैसे ये आपके लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। मैंने इसको पहले ही वहां से ऑन करके पैक करा कर रख लिया है। ये आपका OnePlus मोबाइल है, OnePlus देख सकते हैं। देखिए इसमें सब चीज अच्छा है, मैंने सब चीज का ट्राई करके देखा, और मैंने भी सुना था कि ये जो OnePlus मोबाइल होता है बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है और बहुत अच्छा होता है, इसमें कैमरा और अच्छा होता है। लेकिन मैंने OnePlus मोबाइल लिया, इस कैमरे का यूज किया, लेकिन इतना कैमरा अच्छा नहीं है। मेरे पास एक और मोबाइल है Realme C2 है, ठीक है ना, और उसका 2GB रैम है, लेकिन कैमरा सबसे जबरदस्त है। यानी समझिए, एक Realme C2 का ये OnePlus कैमरा कंपटीशन नहीं कर सकता, इसका कैमरा जितना अच्छा चेन नहीं है। देखिएगा इसका फ्रंट कैमरा अच्छा, लेकिन बैक कैमरा अच्छा नहीं है, फ्रंट अच्छा लेकिन बैक नहीं है। Realme C2 का जो मैंने लिया था उसमें बैक फ्रंट दोनों था, जिसके माध्यम से भी मैं वीडियो कभी कल अपलोड करता हूँ, कभी कल बनाता हूँ, ठीक है। तो OnePlus अगर आप लाइव क्लास चलाना चाहते हैं, अगर लाइव क्लास चलाना चाहते हैं, बोर्ड पर पढ़ाना चाहते हैं, तो इस कैमरे का आप प्रयोग नहीं करें, ये मोबाइल अच्छा नहीं होगा आपके लिए OnePlus, ठीक है ना। चार्ज इसका कम है, 18-19 हज़ार तक आपको मिल जाएंगे, ऐसे ऑफलाइन लीजिएगा तब, लेकिन ऑनलाइन लीजिएगा तो 20,000 रुपये आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ऑनलाइन क्लास चलाने के लिए मोबाइल OnePlus अच्छा नहीं है, सिर्फ इसका नाम है, इसका कैमरा अच्छा नहीं है। अगर कैमरा अच्छा लेना है तो उसके लिए आपको Realme का प्रयोग करिए। Realme कोई भी मोबाइल लीजिए, Realme C2, Realme 9 Pro, Vivo लीजिए, उन सबका कैमरा अच्छा होता है, भले 4GB रैम कह लीजिए, लेकिन OnePlus नहीं लीजिएगा भैया, तो फंस जाइएगा, ठीक है। इसका सब चीज अच्छा है। देखिए मैं इसलिए यह होता कि इससे लाइव क्लास चला सकूं, तो मुझे बोर्ड पर नहीं पढ़ाने हैं, मुझे बोर्ड पर नहीं पढ़ाने हैं, इस कारण से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मैंने लिया तो मैंने गलती नहीं किया है, हमें बोर्ड पर नहीं पढ़ाने हैं, ठीक है ना। इस कारण से मैं लिया, इसका रैम अच्छा काम करता है, जगह इसमें भी इसमें बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप अगर एक ही मोबाइल से सब काम करना चाहते हैं, मेरे पास 2-3 मोबाइल अभी तक है, ठीक है, कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर का भी मैं प्रयोग करता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं इस मोबाइल से, ठीक है। मोबाइल मैंने लिया इसका भी कुछ रीजन था, लेकिन मैं नाम पर लिया था कि OnePlus जो मोबाइल होते हैं बहुत अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो बाबू आप लोग फंसिएगा मत, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा कम है, मैं तो देखो ये जो मैंने लिया था YouTube के पैसा से लिया है, तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, और भी मैं 2-4 मोबाइल ले सकता हूं अभी, ठीक है। तो यही कहूंगा, OnePlus मोबाइल एक के लिए अच्छे नहीं है, मतलब अगर चाह रहे कि एक मोबाइल से सब काम करें तो अच्छे नहीं, इसके लिए 2-3 आपको मोबाइल रखने पड़ेंगे। हालांकि देखिए इसमें कोई खराबी नहीं है, OnePlus है तो बढ़िया है, इसका फ्रंट अच्छा कैमरा, लेकिन बैक नहीं है, बैक से जो बच्चे क्लास चलाएंगे उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, अच्छा क्वालिटी ये नहीं देने वाला है, ठीक है। तो बस यही कहूंगा कि आप लोग मोबाइल लीजिएगा, जिसका कम रेंज है वो भी ले सकते हैं OnePlus मोबाइल, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इसके माध्यम से हम YouTube पर लाइव क्लास चला सके, बच्चों को पढ़ा सके, पढ़ाने के लिए नहीं, हाँ अगर आप जैसे मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं, फैक्ट वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम करता है। चलिए इसका बहुत कम रेंज पड़ा था, समझिए कि ऐसे फ्लिपकार्ट में मैंने देखा तो इसका 20,000 रुपये पड़ रहा था, 19,999, ऐसे ऑफलाइन लिया तो 18-19 हज़ार तक ये फाइनली मेरा हो गया था, ठीक है। तो आप लोग भी सोच समझ कर इस मोबाइल को लीजिएगा, ये सिर्फ नाम पर चलता है, ये OnePlus नाम पर चल रहा है। बताया मुझे भी बताया गया था कि इसका कैमरा बहुत अच्छा होता, लेकिन मैंने प्रयोग किया था, इसका कैमरा अच्छा नहीं मिला, जैसा चाहिए Realme का जैसा कैमरा था वैसा नहीं था। तो आप लोग थोड़ा सा समझ के ही लेंगे। चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, कुछ बच्चों के पास पहुंचा दीजिएगा, ताकि इस मैसेज को मैसेज जो है ना सभी के पास पहुंच जाए। जय